हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एकदम यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ। तड़का सैंडविच, ना ही सैंडविच में चीज डला है और ना ही मेयोनीज, लेकिन मैं आपको इसका स्वाद क्या बताऊँ, बिना चीज बिना मेयोनीज के बिना ये इतने ज़्यादा टेस्टी बने हैं, आपको खाने में लगेगा ही नहीं कि आपने इसमें चीज़ और मेयोनीज नहीं डाला है। इसे मैंने कैसे बनाया है वीडियो आप पूरा देखिएगा। तो चलिए तड़का सैंडविच बनाने की तैयारी कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, सरिता की रसोई में आपका स्वागत है। हमने यहाँ गहरा एक बाउल ले लेना है। इस पर हमने एक छलनी रख दिया है। इस छलनी के ऊपर हम एक पतला कपड़ा रख देंगे और पतले कपड़े के ऊपर हमने एक कप दही डाल दिया है। ये दही एकदम फ्रेश है, इसे हमने घर पे बनाया है। आप भी जब बनाइएगा फ्रेश दही का ही इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि फ्रेश दही ज़्यादा खट्टे नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं कपड़े को मैंने पूरा एक तरफ से ऊपर की तरफ कर दिया है और इसे हल्के हल्के हाथों से हम घुमा लेंगे ताकि दही का पानी अच्छी तरह से निकल जाए। आप देख सकते हैं इतना सारा पानी दही में से निकल गया है। पानी को हम दूसरे बाउल में निकाल लेंगे और इसी बाउल में हम फिर से छलनी रख कर इस कपड़े के ऊपर कोई भारी सा चीज रख देंगे ताकि दही का सारा पानी अच्छे से निकल जाए। इसे हमें एक घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। एक घंटा हो चुका है, दही में से सारा पानी निकल गया है। आप देख सकते हैं पहले भी दही का पानी निकले थे। इस दही के भी पानी को हम फेंकेंगे नहीं, आप इसे कढ़ी बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं कैसे हमारा एकदम गाढ़ा हंकड़ बना है। इसे हम चम्मच से अच्छी तरह से सभी जगह मिला देंगे ताकि ये हल्के से सॉफ्ट हो जाए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो नीचे लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा। अगर नहीं पसंद आ रही है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन करिएगा ज़रूर। जैसे कि आप देख सकते हैं दही हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। इसे हम बड़े से बाउल में निकाल लेंगे। अब इस बाउल में हमने आधा कप बारीक कटा प्याज डाल दिया है और आधा कप हमें बारीक कटा शिमला मिर्च डाल देना है और आधा कप कद्दूकस किया गाजर डाल देना है। आधा कप हमने बारीक कटा टमाटर डाल देना है। हमने यहाँ एक चम्मच बारीक कटा हरी मिर्च और एक चम्मच हमने बारीक कटा हरा धनिया डाल दिया है। आधा कप हमने बॉयल कॉर्न डाल दिया है। आधा टीस्पून हमने काली मिर्च का पाउडर, आधा टेबलस्पून हमने चिली फ्लेक्स और आधा चम्मच हमने नमक डाल दिया है। इन सभी को हम अच्छी तरह से मिला देंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से मिल गए हैं। अब हमने इसमें आधा चम्मच शुगर पाउडर डाल दिया है। शुगर से ये मीठे नहीं लगेंगे और भी ज़्यादा ये यम्मी बनेंगे। आप ये मेरे तरीके से तड़का सैंडविच अपने घर बनाइएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका तड़का सैंडविच कैसा बना था। आप लोग कमेंट करके बताते हैं तो हमें नई नई रेसिपी बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। हमने यहाँ एक वाइट ब्रेड ले लिया है। आप वाइट ब्रेड की जगह ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर हम एक से डेढ़ चम्मच सभी जगह अच्छी तरह से हरी चटनी लगा देंगे। हरी चटनी को हमने दिखाना आपको स्किप कर दिया है। आप हरी चटनी में हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और दो चम्मच भुनी हुई मूँगफली डाल के पीस लीजिएगा। आपकी चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। अब हमने जो दही की स्टफिंग बनाई थी, इसे हम दो चम्मच डालकर ब्रेड पर सभी जगह अच्छी तरह से फैला देंगे। आप चाहे तो चटनी के पहले इसमें बटर का भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन हमने इसे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनाया है इसलिए हमने इसमें बटर नहीं लगाया है। आप चाहे तो लगा लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब हम दूसरा ब्रेड भी ऊपर से डालकर इसे अच्छी तरह से कवर कर देंगे। अब हम दूसरा सैंडविच भी ऐसे ही बना लेंगे। आप ये बिना चीज़ बिना मेयोनीज के हेल्दी सैंडविच अपने घर बनाइएगा
और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका बिना चीज़ बिना मेयोनीज़ के तड़का सैंडविच कैसे बने थे। अब हम गैस पर पैन चढ़ा देंगे और गैस की आँच हमें मीडियम रख देना है। आधा चम्मच हमने इसमें देसी घी डाल दिया है, आधा टीस्पून हमने इसमें राई और कड़ी पत्ता डाल दिए हैं। जब ये अच्छे से चटकने लगे तब आप घी को अच्छी तरह से सभी जगह फैला दीजिएगा और इसके ऊपर हमें ब्रेड रख देना है। एक तरफ हम एक मिनट ब्रेड को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और दूसरी तरफ भी हम ब्रेड पे आधा चम्मच देसी घी सभी जगह अच्छी तरह से लगा देंगे। जब ये एक तरफ अच्छे से ब्राउन हो जाए तब आप इसे पलटकर दूसरी तरफ भी गोल्डन ब्राउन कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं ये एक तरफ गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, दूसरी तरफ भी इसे हमें गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी होने तक सेक लेना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा सैंडविच बनकर तैयार हो गया है। दूसरा सैंडविच भी ऐसे ही हम देसी घी राई और कड़ी पत्ता डालकर दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेंगे क्रिस्पी होने तक। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे दोनों सैंडविच अच्छे से गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी हो गए हैं। इसे मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। देखिए ये बहुत ही आसानी से कट जाते हैं। आपको मैं इसके अंदर का टेक्सचर दिखा रही हूँ। देखिए अंदर से देख के कोई भूलेगा ही नहीं कि आपने इसमें चीज़ और मेयोनीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। और खाने में इसको मैं आपको स्वाद क्या बताऊँ, बच्चे बूढ़े सभी इसे बहुत ही चाव से खाएंगे। इसे हमने चटनी के साथ सर्व कर दिया है। देखने में तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं और यकीन मानिए दोस्तों खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप इसे अपने घर बनाएंगे तो ही इसका स्वाद जान पाएंगे। आप अपने घर ये हेल्दी टेस्टी तड़का सैंडविच बनाइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।